Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आज के समय में देश के कोने कोने में आपको भारतीय निवासी मिल जाएंगे और साथ ही दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं हिंदू धर्म के मंदिर मंडी, जिन्हें आस्था का केंद्र माना जाता है। सोचिए, अगर उन्हीं मंदिरों की तुलना अगर नरक से की जाए तो कैसा प्रतीत होगा। आज हम आपको ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने वाले हैं। बता दें आपको, थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। यहाँ अनेक भारतीय और बौद्ध मंदिर स्थित हैं, लेकिन इनमें से एक मंदिर ऐसा है जो कि नरक की तरह ही प्रतीत होता है। थाईलैंड में स्थित नरक मंदिर लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। ये बौद्ध भिक्षु ने बनवाया था। इस मंदिर को वाट माय काय नोई कहा जाता है। ये हेल टेम्पल थाईलैंड में चिंग माई नगर में बना हुआ है। चिंग माई नगर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से करीब 700 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर में नरक में कैसी कैसी सजाएं दी जाती हैं, उनको प्रदर्शित करने वाली डरावनी और भयावह मूर्तियां लगी हुई हैं। ये प्रतिमाएं और मूर्तियां अत्याचार और पीड़ा को दर्शाती हैं। वैसे तो बुद्ध धर्म शांति का प्रतीक है और बौद्ध मठ शांति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन थाईलैंड के इस बौद्ध स्थान पर आपको लगेगा कि आप नरक में खड़े हैं। यह नरक मंदिर बौद्ध भिक्षु ने बनवाया था। इसका नाम था प्राकु विशान जालिनकोन। वह लोगों को इसके द्वारा ये चेतावनी देना चाहता था कि पाप करने का परिणाम क्या होता है। वह लोगों को इस मंदिर के द्वारा डराना चाहता था। वह नरक और पाप के डर से भयभीत कराना चाहता था, उन्हें शर्मिंदा अनुभव कराना चाहता था। इसलिए इस मंदिर में काफ़ी डरावनी मूर्तियां लगाई गई हैं, जिससे कि लोगों को ये समझाया जा सके कि इंसान को इसके कर्मों के अनुसार उसे नरक में सजाएँ दी जाती हैं। इन अपराधों में हत्या करना, लालच करना, शराब पीना, चोरी करना, ड्रग्स लेना, गर्भपात कराना, व्याभिचार और रेप करना जैसे और भी अपराध शामिल हैं। मूर्तियों में दिखाया गया है कि चोरी करने के लिए हाथ काट देने की सजा दी जाती है, तो रेप करने के लिए यौन अंगों को काट दिया जाता है। आपकी अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, थाईलैंड में गर्भपात कराना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इन मूर्तियों में ये भी दिखाया गया है कि महिलाएँ अपना गर्भपात खुद ही कर रही हैं। इन मूर्तियों के नीचे किए गए पाप और उस पाप के लिए मिलने वाली सज़ा के बारे में लिखा गया है। लोगों को और ज़्यादा डराने के लिए साउंड इफेक्ट का सहारा भी लिया जाता है। यह मंदिर लोगों के लिए अब जन्मदिन, विवाह और अनियेष्टि के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण का केंद्र बन गया है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.